यूपी के रामपुर में सपा उम्मीदवार तजीम फातिमा ने सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सपा कार्यालय पर ढाई महीने बाद पहुंचे आजम खान ने सभा को संबोधित किया और अधिकारियों को 88 मुकदमे दर्ज करने पर खरी खोटी सुनाई। सभा का मेरा कार्यकाल अभी बाकी है, एक डेढ़ वर्ष है, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा कि गत तीन चार महीनों में इस शहर के नागरिकों पर, बेगुनाह नागरिकों पर जो जुल्म हुए हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर जो लोग आजम खान साहब से जुड़े हुए थे, जो जुल्म हुए हैं और मेरे अपने परिवार पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, मेरे परिवार को, तकरीबन मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को इन मुकदमों के जरिए बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो मैंने ये सोचा कि मैं विधानसभा के लिए इलेक्शन में आऊं और विधान राज्यसभा में चूंकि ज़्यादातर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही डिस्कस होते हैं, लोकल इशूज़ के लिए मौका बहुत कम ही मिल पाता है, वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। आश्वस्त हूँ कि मैं ही जीतूंगा। सागर के जरुआ खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में अनेक अनियमितताएं पाई गई और शासन को लाखों की चपत भी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा लगाई जा रही है। लाखों रुपए की दवाइयां कचरे में, डस्टबिन एवं गंदे कमरे में डाली हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या अधिकारियों को इसकी खबर नहीं है? डॉक्टर साहब ये बताएं, यहाँ पे मैंने देखा कि तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ना तो एक्सपायर हैं और ठीक हैं, फिर भी कचरे कूड़े घाई डस्टबिन में डली हुई हैं। लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं, वो अगर बाजार में खरीदने जाओ तो ये किस वजह से है? ये क्या, एक्चुअली में यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, वो नदी गई है अस्पताल के पीछे से, 4 से 5 फुट पानी भर गया था, तो पूरी दवाइयाँ वो ख़राब हो गई थी। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो दवाइयों की देख रेख करते हैं, तो उन्होंने वो दवाइयाँ वहाँ निकाल के रखी हुई हैं अभी। डॉक्टर साहब आप चाहें तो फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं। इन इन दवाइयाँ जो खराब हुई हैं, इनके जिम्मेदार कौन रहेंगे? इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसके जिम्मेदार तो हमारे यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं उनके ऊपर है पूरा देख रेख का, दवाइयों का उन्हीं क्या है, साफ सफाई नहीं रख सकता। और डॉक्टर साहब ना तो आपका महिला जो प्रसाधन वो भी बंद है, साफ सफाइयाँ भी नहीं है, बिल्कुल पूरी क्या, अभी पानी बहुत टपक रहा है उसका, आपने भी देखा होगा छत से पानी बहुत आ रहा है, उसके लिए भी हमने लिख के दे दिया है। अब वो क्या है, पानी खुल नहीं रहा तो ऊपर कुछ काम नहीं हो पा रहा, नीचे भी हाँ, नीचे वो उसी पानी टपक रहा ना जो छत पे, इमरजेंसी में कोई मरीज आता है हाँ, उसके लिए क्या करेंगे आप? इमरजेंसी में हम रहते हैं और सिस्टर लोग रहती हैं, तो आप उसकी लिस्ट बताएं कौन कौन है। लिस्ट क्या, हम नाम बता दे रहे हैं आपको, बताइए। ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया था कि ठेका प्रथा खत्म की जाए। चुनाव से पहले कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि हम ठेका प्रथा खत्म कर देंगे। हमारी कांग्रेस और मुख्यमंत्री से यही मांग है कि ठेका प्रथा को खत्म कर दिया जाए। आज जो है आप लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आज सवेरे यहाँ आए हो, तो क्या आपकी मांगे और लगातार आपके आंदोलन पहले भी रहे हैं? सर प्रथम तो हमारी निगम प्रशासन से यही मांग है और मध्य प्रदेश शासन से भी कि जैसा कि उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा है कि ठेका प्रथा खत्म करी जाए, जैसे और उसी वचन को लेकर कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज ने, संपूर्ण मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज ने वोट भी दिया था कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि सरकार भी बनी कांग्रेस की, कि कहीं ना कहीं ठेका प्रथा खत्म होगा। तो मैं सीएम साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि अपने वचन को याद करते हुए ठेका प्रथा जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इनको निगम में शामिल किया जाए, ठेकेदार कर्मचारी। आज जैसे कि मंगलवार है और करीबन 12 बज चुके हैं, अभी तक जनसुनवाई, आज जनसुनवाई का भी देना है, लेकिन आप लोग सुबह से आए हुए तो अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। सुबह से किसी भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही आयुक्त महोदय हमारे बीच आए, ना ही कोई अपर आयुक्त ही हमारे बीच आए, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये कर्मचारी ना तो निगम के हैं, ना ठेके के हैं, ना शासन के हैं, तो कम से कम हमको संतोषजनक जवाब तो मिले कि हमसे कार्य कौन करा रहा है। आज अगर संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिलता तो आगे आप क्या कदम उठाओगे? हमको संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलता है, कोई अधिकारी हमारे बीच में आके हमारी बात को नहीं सुनता है, हमारी बात को नहीं समझता, हमको कोई जवाब नहीं देता है, तो आज से संपूर्ण कर्मचारी काम बंद का ऐलान कर देगा, इसी नगर निगम हेड ऑफिस पे यही धरना देगा। लगातार एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सुहेलवा गांव में छत व दीवार गिरने की वजह से एक 12 वर्षीय बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई,
जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज बस्ती जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना है, लगभग 12 बज रहे थे और 12 बजे बारिश रिमझिम हो रही थी और उसमें बच्चे कुछ थोड़ा बारिश में खेल कूद रहे थे, 7-8 बच्चे थे और उसमें जैसा कि अब्दुल रशीद जो बाबा है उनका कहना है कि बच्चे खेले तो दीवार अचानक में थोड़ा सा गिर गई और बगल में ये बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जो इम्तियाज था उसकी डेथ हो गई, अस्पताल में डेथ हो गई और 2 बच्चे फैजान थे और दूसरा शहनवाज, थोड़ा गंभीर चोटें आई, एक गुलाम भी थे जिनके हल्की मामूली चोटें उस बच्चे को भी आई, तो बच्चे इस समय सुरक्षित हैं और साथ में इम्तियाज की जो डेथ हुई है उसमें परिवार वालों से जो फॉर्मेलिटी होती है पोस्टमार्टम लेसेंटा कराने के लिए अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि सर दैवी आपदा मुझे घटनाशी नहीं चाहिए, अलबत्त कि कोई अन्य हमें मत से राहत मिल जाए तो बेहतर होगा, धार्मिक कारणों से बहुत समझाया गया, अंततः लिख के दिया कि मुझे अन्य मत से धनराशि राहत मिले, इसे क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उनको यथासंभव। सपा हाईकमान के आदेश पर पूरे प्रदेश की तहसीलों पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसी के तहत सैकड़ों की संख्या में तहसील अनूपशहर व विधानसभा प्रभारी सैयद हिमायत अली के नेतृत्व में समाज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों का उत्पीड़न आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन SDM सुरेश चंद्र सोनी को सपाइयों ने दिया है। तहसील पर धरना प्रदर्शन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, क्या मांग है आपकी? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया था उन्हीं की बात को आगे लेते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। उसमें 11 मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और उसमें जो अखिलियतों पर जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है, पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, इन मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान द्वारा जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया है उन पर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं उनके लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और ये मांग की गई है उत्तर प्रदेश भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि उन पर फर्जी मुकदमे वापस किए जाएँ, गरीब को इंसाफ मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तहसील अनुच्छेद पर धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं 11 सूत्रों की मांगों को लेकर ये सपा का ये धरना प्रदर्शन तहसील अनुच्छेद पर चल रहा है। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सेम अनूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। धरना चल रहा है, किस क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि यहाँ पर गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लूटमार ख़त्म होनी चाहिए और ख़ास तरीके से जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, पुलिस प्रशासन बहुत गंदा है। ये सरकार के खिलाफ इतने कई सूत्रों की मांगों क्या बंदी आपने? हमने 11 सूत्रों गाजियाबाद के लोनी इलाके में कल हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, उनमें से एक युवक के परिजनों ने रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया था। देखिए रिपोर्ट। भैया नाम क्या है आपका? हर्ष प्रधान भैया, भिटोरा से। भैया जाम लगा रखा है आपने, क्या क्या कारण है इसका? भैया ये हमारे गांव के लड़के हैं, इनके पिताजी अभी 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, हरिजन है ये, इनके ना कोई जमीन है ना जायदाद है, ना इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। इनकी माँ भी एक्सीडेंट में, अब वो जिंदगी मरी एक सी है, एक्सीडेंट 7 हुआ था, तो हमारी शासन से मांग है कि इन्हें उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। 3 लड़के एक है वो बेकार है, एक दूसरा जो इसका भाई है उसकी किडनी वगैरह सब फेल है, वो जीना ना जीना है, इनके पास बस शासन से यही है ताकि इन्हें जो भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके वो देने का कष्ट करें। किसान क्रांति यात्रा की वर्षगांठ को लेकर किसानों की यूपी में होने वाली पंचायत को लेकर गाजियाबाद SP सिटी शुरू कुमार ने किसानों के होने वाली महापंचायत के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल तैनात कर दिया है, साथ ही दिल्ली पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है।
किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध भी गाजियाबाद पुलिस ने किए हैं। कल कल किसान रैली होनी है, उसको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की? कल यहाँ यूपी गेट पे किसान बीकेयू के अध्यक्षता में यहाँ आएंगे, उनके द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है और यहाँ पे हमारे तरफ से जो पुलिस व्यवस्था है वो की जा रही है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है, उनके तरफ से भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी। जो भी इनके ज्ञापन वगैरह हैं वो यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा प्राप्त करके उचित माध्यम से प्रेषित कर दिए जाएंगे और मेन उद्देश्य ये रहेगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम संपादित हो और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय गायघाट रेवती बालिया की छात्राओं ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवती थाना के अंतर्गत कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय गायघाट की, जहाँ करहा मऊ निवासी शिक्षक राजीव मोरे की प्रेरणा से विद्यालय की छात्राओं ने नवरात्र के पवित्र अवसर पर वृक्षारोपण करके एक मिसाल पेश की है। सर, मैं राजीव कुमार मौर्य, सहायक अध्यापक गायघाट रेवती ब्लॉक बलिया। जी, आपके विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? हमारे विद्यालय में सर नवरात्र के अवसर पे जो है हमने बच्चियों को जो है तैयार किया, नव दुर्गा के रूप में उनको तैयार किया जो है, और बच्चियों ने पर्यावरण रूपी नव दुर्गा बन करके जो है प्रदूषण रूपी महिषासुर का वध करने के लिए जो है उन्होंने वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है। हमने नौ वृक्ष लगाया। इस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? इस मौके पर हमारे विद्यालय के NPRC श्री राजेश गुप्ता, प्रधानाध्यापक श्री रीता गुप्ता, भैया संतोष सिंह हमारे सहायक अध्यापक, और विद्यालय के और भी महिला टीचर जो है रिंकी गुप्ता और रोहित सिंह इत्यादि मौजूद थे। ग्राम प्रधान भी मौजूद थे मीनू सिंह, उनके पति विजय प्रताप सिंह। जी, इस मौके पर उन्होंने क्या बोला? इस मौके पर उन्होंने बहुत ही हमें सराहनीय कार्य का एक बोला कि आपने मिसाल पेश किया है जो है, और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो है ये काम करते रहिए, ऐसा उन्होंने जो आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो है वह देने को तैयार है। जी, आप तमाम विद्यालय में, जैसे आपके विद्यालय में किसी विद्यालय में कमी होता है शायद, तो इस मौके पर क्या कहेंगे? सर, ये हमें अंदर से मतलब फील हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए जो है, और मतलब अंदर से आवाज़ आई तो हमने जो है इस तरीके का वृक्षारोपण का कार्य करना आरम्भ किया जो है, और अब तक सर हम 27 मतलब वृक्षों को, पेड़ों को लगा चुके हैं सर जी। अब तक की अपने जैसे जब भी कोई ओकेजन इवेंट पड़ता है तो उसमें जो है पेड़ों को लगाने का कार्य करते हैं। ठीक।